अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही मज़े का, बहुत ही अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। बहुत अच्छा ऑमलेट, बहुत ही इजी रेसिपी है। चलें चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने पहले वेजीज जो हैं उनको देख लेना है। 2 टेबल स्पून हमने कैरेट ली है, 2 टेबल स्पून ही हमने कैप्सिकम ली है, 1 टेबल स्पून टमाटर लिए है, और बंद गोभी जो है वो भी 2 टेबल स्पून ली है, और हाफ टी स्पून हमने ग्रीन चिलीज़ को बारीक बारीक कट कर दिए है। 2 एग्स लेंगे हम, और कैप्सिकम हमने थोड़ी रेड एंड ग्रीन मिक्स लिया। आप रेड भी ले सकते हैं या आपको ग्रीन पसंद है आप ग्रीन भी ले सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। इसके हमने थोड़े बड़े चंक्स कट करने हैं, ऑलमोस्ट 1/2 इंच तक के। तो ऑलमोस्ट इसके 4 चंक्स जो हैं इसके कट हो जाएंगे। ये देखें, ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ रख के आपने इसके 4 पार्ट मैंने कर लिए हैं। आपकी ज़्यादा बड़ी है तो उसके 5 भी हो सकते हैं, अगर छोटी है तो उसके 3 भी हो सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन साइज़। ये देखें, सर्कल्स में हमने इसको कट कर लेना है। साइडों पे जो बिल्कुल एजेस के हैं उसके थोड़ा थोड़ा उतार लेंगे ताकि हमारे चंक्स जो हैं दोनों साइड से इक्वली हों। बीज को हम साइड पे निकाल के इजीली साइड पे निकल जाएंगे, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और इस इन सारी चीज़ों को हमने रखना है क्योंकि ये एज अ टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे एग के लिए। अब हमने पहले एग जो है उसको अच्छे से फेंट लेना है। ये 2 ऑमलेट एग्स के अकॉर्डिंग हमने इसको सेट किया है। वेजिटेबल्स वगैरह को अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो आप इसको एग्स की क्वांटिटी और उसके साथ आपके वेजिटेबल्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। अच्छे से हमने एग को फेंट लेना है और इसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल से जो बेसिक्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। नमक हमने 1 टीस्पून ऐड करना है, छोटी चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको देख लें आपको कितना डालना है। हमने चिली पाउडर नहीं डालेंगे, हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसके अंदर। ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा हम स्पाइसी बनाएंगे, कम ज़्यादा आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं जो आपको नहीं पसंद। और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर ना ऑरिगेनो ऐड करना है, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। 1/3 टीस्पून मैंने एटलीस्ट डाला है इसके अंदर ऑरिगेनो। और थोड़ा सा हम 1/2 टीस्पून इसमें पेपरिका डालेंगे। और इन सारे मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। और इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी करके वेजीज ऐड कर देंगे और उसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वेजीज़ को आपने बहुत फाइन चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक रख के, बहुत चंक्स उसके छोटे कट करने हैं क्योंकि हमने एग जो है हमारा जल्दी बन जाता है और स्टीम में बनेगा तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर हम वेजीज़ इसमें बड़ी रखेंगे तो हमारी वेजीज़ जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी और हमारा एग जो है वो बन जाएगा। इसलिए मैंने बहुत छोटी जो मतलब कैरेट थी उसको हमने सबसे छोटे साइज़ में कट किया है ताकि ये स्टीम के अंदर पक जाए। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड करना है क्योंकि हम इसे स्टीम में बना रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर ऐड करना है ताकि हमारी जो एग की स्मेल है वो ना आए। देखें, हमारा मसाला रेडी हो गया है, हमारी कैप्सिकम भी रेडी है। और अब हम पैन लेते हैं, पैन में हमने ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करना है। जस्ट सरफेस को लगे, हमने इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। ये देखें, और इसके बाद हमने इसके अंदर कैप्सिकम को ड्रॉप कर देना है 1 बाय 1। ये देखें, कोशिश करें आपकी कैप्सिकम बिल्कुल इक्वली कट होनी चाहिए ताकि जब हम इसमें एग डालें तो एग हमारा ज़्यादा लीक ना हो और डलते साथ ही ऑलमोस्ट फिक्स हो जाए। देखें,
अब स्पून बाय स्पून हमने इसके अंदर ऑमलेट ऐड करना है। ऑमलेट को अच्छे से मिक्स करके ऐड करना है ताकि हमारी वेजीज़ जो हैं वो नीचे ना बैठी रहें और ऊपर से एग एग ना ऐड हो जाए। अच्छे से हर बार हमने चम्मच को हिला के देन इसके अंदर ऑमलेट ऐड करना है। ये देखें, थोड़ा सा होगा लीक लेकिन नीचे से जब पक जाएगा तो फिर इशू नहीं है, फिर इजीली बन जाएगा। आग आपने मीडियम टू लो रखनी है, बहुत लाइट, ताकि हमारा जो ऑमलेट है वो जल ना जाए नीचे से। और ये देखें, आपने बिल्कुल ऊपर तक इसको नहीं भरना, अदरवाइज़ जब आप इसको दूसरी साइड से बकाएंगे तो ये ऑलमोस्ट ऊपर तक आ जाता है सरफेस तक। तो थोड़ा सा आपने इसके अंदर स्पेस देनी है। ऑमलेट आपका थोड़ा सा रिलीज़ भी हो रहा है तो इट्स ओके, हम इसी को दोबारा से इसकी सरफेस के ऊपर ऐड कर देंगे, तो इसका कोई भी इशू नहीं है। ये देखें, वेरी इजी, वेरी सिंपल, क्योंकि नीचे जब एक बार सरफेस हमारी एग की बन जाएगी उसके बाद लीक नहीं होगा। तो जो साइड पे लीक हुआ है आप उसको दोबारा इसकी सरफेस के ऊपर भी डाल सकते हैं, ये दोबारा अच्छे से अटैच हो जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा, बल्कि मैंने उसमें कई किया भी है तो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। आपने इसको अच्छे से जब कवर हो जाएगा सारों को अच्छे से फिल करने के बाद, इसको स्टीम के अंदर हम ऑलमोस्ट 5 मिनट वन साइड से पकाएंगे, देन टर्न करके 5 मिनट हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। और स्टीम में अच्छे से पकाना है, हमारा एग जो है वो बिल्कुल भी अंदर से कच्चा ना रहे, ना वेजिटेबल्स ना एग। ये देखें, जो एग निकला था हमने उसको दोबारा से उसी के ऊपर कवर कर दिया है, और हमने बिल्कुल जो साइड पे सुराख था उसे भी बंद कर दिया, क्योंकि हमें इसकी अच्छे से इसको स्टीम पे फैलाना है। और इसको टर्न करने के बाद हम दोबारा इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए स्टीम पे बनाएंगे। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको लगेंगे इसको बनाने के लिए, और उसके बाद बहुत अच्छे से हमारी एग कैप्सिकन बन के रेडी हो गई है, या वेजिटेबल एग आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और इसमें अच्छी कैप्सिकन पेपरिका की स्मेल आती है जो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा कर देती है। ये देखें, दूसरी साइड से हमने इतना इसको नहीं किया और वो इतना जला भी नहीं है, थोड़ा सा डार्क हुआ है वन साइडेड क्योंकि हमने इसको फर्स्टली वहाँ ऐड किया था। आग आपने बहुत स्लो रखनी है, मीडियम से भी स्लो पे चले जाना है क्योंकि इसको टाइम लगेगा पकने के लिए। और ये देखें, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी, बहुत इजी रेसिपी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी डिफरेंट। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन के रेडी होगी और इसका बहुत प्यारा फ्लेवर आया है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में, लंच में आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ये फुल हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है और एज अ लंच भी आप इसे बना सकते हैं। ये देखें, कलर माशाल्लाह से इसके इतने प्यारे आए हैं, फुल कलरफुल सा ब्रेकफास्ट। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें, इसको कट करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी आउटसाइडर जो कैप्सिकन है वो भी बहुत अच्छी पक गई है अच्छे से, और उसके बाद हमारा जो एग है वो भी अंदर तक बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है। ये देखें, और वेजीज भी हमारी बहुत अच्छी बनी है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।